बघितलं माझ्या क्लासमध्ये दाखवत होते जरा स्टुडंट चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जैसे कि आगे का देखते हैं आज कितने तो चले मुझे बहुत बात कर रहा है वो तो लास्ट टाइम तो पूछा तो जैसे कि इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक बाय फेस और जो फेसेस है उनको बाहर निकालता हूँ। जैसे कि ये जो फेसेस है एक्सक्लूड करता हूँ और एक्सक्लूड करने के बाद आर दबाकर उसे छोटा करता हूँ कुछ यार तक करेक्ट। फिर मल्टीपल डालने के लिए मल्टी कट लेता हूँ कुछ इस तरीके से और एज की मदद से डबल क्लिक थोड़ा आगे ले बड़ा करूंगा चालू कर दिया और थोड़ा आगे ले लूंगा। फिर रिटर्न डबल क्लिक आर ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा छोटा और मोटू से राइट क्लिक वर्टेक्स पे जाता हूँ और वर्टेक्स को मूव कर कुछ इस तरह को। अभी अगर देखा जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर एक पैच आ रहा है तो जो पैच आ रहा है उसे ठीक करना पड़ेगा। ये कुछ अलग सा एरर है तो मैं क्या करता हूँ इन सब को आर टिक करके देखते हैं कैसा दिखेगा। नहीं प्रॉपर नहीं दिख रहा तो सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और बाहर खींच के लाता हूँ। इसको भी खींचता हूँ बाहर की तरफ ऐसा कुछ और फिर इसको मुझे अंदर ढकेलना। तो अंदर ढकेलने के लिए मैं क्या करता हूँ ये सब पॉइंट्स तो इसके ही है तो यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ या फिर ऊपर से इतने पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ आर दबाता हूँ छोटा करता हूँ और मूव टूल की मदद से अंदर लेकर जाता हूँ। थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा अंडू बीच में से लेना पड़ेगा हम लोग ने कॉर्नर से लिए थे। जैसे कि फेस ये दोनों की जरूरत नहीं सिर्फ इन दोनों को दोनों ठीक है। फिर आर दबाता हूँ छोटा और साइड व्यू से कुछ इतना और मोर टूल से कुछ ऊपर की तरफ और राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे जाता हूँ ऑप्शन से नहीं आ रहे वर्टेक्स और मोर टूल की मदद से कुछ ऐसे एडजस्ट इस जो पॉइंट है जो अंदर जा रहा है उसको थोड़ा सा बाहर लेकर और ये जो तीन पॉइंट्स है उनको थोड़ा सा नीचे रखें। इसको थोड़ा सा राइट क्लिक फेस डिलीट कोई
और ये जो फेस एक्स्ट्रा आया वो भी डिलीट। तो तो स्पेस दबाकर बाहर आ जाता। यहाँ पर भी एक पॉइंट बाहर आया होगा हमारा। तो राइट क्लिक, मल्टी कट, क्लिक क्लिक। यहाँ पर कुछ तो इश्यू है जिसके कारण वो पाथ आगे नहीं जा रहा। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर ऐसा कुछ होता है तो अलग से बना लो। जनरल को मैं रीसेट करता हूँ एक बार कुछ इस तरीके से। और यहाँ से कोई भी एक टूल, स्पेस दबाकर, जैसे कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव साइड चला गया, यहाँ पर पर्सपेक्टिव आया, तो यहाँ से 4 पे क्लिक कर दो, करेक्शन हो जाएगा। और इसे कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। राइट क्लिक, वर्टेक्स, मूव टूल, और अपने हिसाब से लगा लो। थोड़ा इंटरसेक्ट की रखना अंदर की तरफ, क्यों? क्योंकि हम लोग ओवरलैपिंग के लिए रखने वाले, ऐसा कुछ। फिर इसका भी राइट क्लिक, फेस, ये वाला फेस डिलीट कर दो, ये अंदर के फेस की भी जरूरत नहीं है। ये जो जितना बाहर है उनको ही सिलेक्ट करो और आर दबाकर छोटा कर दो जितने की आपको जरूरत है, और आधा लगा देना, आधा उसका कॉपी आ जाएगा, इसलिए मैं हाफ ही रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। वो डॉक्यूमेंट्स का हो गया, तो ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऊपर से मुझे थोड़ा और छोटा भी चाहिए। तो राइट क्लिक, वर्टेक्स, दोनों सिलेक्ट, आर दबाता हूँ और छोटा करता हूँ, और ऐसा कुछ रखता हूँ कि वो बस जब कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि एक बार दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि जब इसको मैं मिरर करूंगा और उसका ऑफसेट अगर मैं लेकर आऊंगा और थ्रेशोल्ड कम कर दूंगा उसको, तो थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ये देखो ऐसा कुछ दिखे। तो इसलिए मैं बोला कि आपको थोड़ा सा ऊपर से छोटा चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने बना लिया। अब ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कैसे बनाओगे? तो मैं सिंपली ये वाला टूल ले रहा हूँ, सर्कल वाला, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल अंडू, रिटर्न लेता हूँ, छोटा। इसके जो डिवीजन है, जो कि हम लोग को यहाँ पर 20-20 दिख रहे हैं, वो कम कर देता हूँ, 8-8 पर रख दो, चलेगा। छः पर आ गया, तो मैं 8 कर देता हूँ और इसे भी 8 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इसमें जैसे कि देखोगे अगर ध्यान से, तो आर दबाकर इसे मैं छोटा करूंगा और मूव टूल से बाजू में लेकर आते हैं। आर छोटा और मूव टूल से बाजू में, ऐसे कुछ। और राइट क्लिक करके मैं करता हूँ फेस, जैसे कि देखोगे इसके भी फेस आए। तो ध्यान रखना कि पहले ऑब्जेक्ट कर लो सिलेक्ट, उसके बाद जैसे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन इसको करो और उसके बाद ही फेस करो, तो उसके फेस ही आएंगे। तो इनको मैं करूंगा डिलीट, ये जो फेसेस है उसके वर्टेक्स पे जाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से। मूव टूल से इसको यहाँ पर लेता हूँ, ई दबाता हूँ थोड़ा सा रोटेट, और आर दबाता हूँ कि थोड़ा सा स्केल हो जाए, और ई दबाकर रिटर्न थोड़ा रोटेट, आर ऐसा कुछ। तो
फिर यहाँ पर आता हूँ और इसमें भी राइट क्लिक, फेस, जो एक्स्ट्रा फेसेस है वो डिलीट, आर ऐसे कुछ फ्लैट करता हूँ थोड़ा सा, कुछ ऐसा। और अगर ये भी अलाइन चाहिए तो वर्टेक्स ले लो, कुछ ऐसा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ध्यान रखो आधा ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना। और फेसेस जो भी एक्स्ट्रा रहेंगे वो निकाल दिया करो उसी वक्त, क्योंकि बाद में डिलीट करने का भूल जाते हैं। एक बार सेव, उसके बाद नीचे का बना लेते हैं। तो नीचे का जैसे कि यहाँ से शुरू करेंगे, पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये जो पूरा बनाया है अभी तक वो सबको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से जाऊंगा एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके लॉक कर दूंगा कि वो बाद में मूव ना हो, जैसे कि कुछ इस तरीके से वो दिख रहा है। इसको एक बार सबको डुप्लीकेट करके देखते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल, डुप्लीकेट, ऑफसेट, ये सिर्फ एक का ही ले रहा है, सबका नहीं ले रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट, सबकी हिस्ट्री क्लीन, नहीं, सबकी सिलेक्ट करो, हिस्ट्री क्लीन करो पहले और कंबाइन करो, अब उसको अगर जो कुछ भी करोगे तो वो एक साथ काम करेगा। तो परफेक्ट सर्कल बना लोगे तो ऑपोजिट वाला परफेक्टली हो जाएगा। और यहाँ से थ्रेशोल्ड थोड़ा कम कर दो, क्योंकि देखोगे यहाँ पर पॉइंट्स मर्ज होते हैं। कुछ इस तरीके से ये सॉफ्ट हुआ है, वो हम लोग ठीक कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर देखोगे एरर है, तो थ्रेशोल्ड वन ही है, थोड़ा कम कर दिया, देखोगे ओपन हो गया, यहाँ का भी करेक्ट है। तो ऐसे चेक करो एक बार, हो गया। चाहिए तो ये हम लोग ऐसा सीधा भी रख सकते हैं, वो फोटो में गोल है इसलिए गोल बना रहे हैं, वरना सीधा भी रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ज्वाइंट नहीं हुआ, तो एक्स थ्रेशोल्ड बढ़ा दो थोड़ा सा, तो ऐसे चेक करना पड़ता है। वापस थोड़ा कम, क्योंकि वो वहां पे वापस वो ज्वाइंट होगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम मेरा हुआ था कि मैंने परफेक्टली अलाइन नहीं रखा था, इसलिए बाद में हम लोग जब ज्वाइंट करने जाएंगे तो टॉप व्यू से फोर दबाने दबाएंगे और सारे जो लेफ्ट के वर्टेक्स है वो ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे लॉक रखूंगा, हो गया चलिए कंप्लीट टूल। ओके, इसको ऐड नहीं किए थे हम लोग ने, ऐड, अब वो सिलेक्ट नहीं होगा कुछ इस तरह। उसके बाद आगे का बनाएंगे, जो कि यहाँ से शुरू करते हम लोग। तो सबसे पहले रिटर्न वही, एक स्क्वायर ले लो, स्क्वायर को कुछ इस तरीके से बना लो, राइट क्लिक, वर्टेक्स यहाँ तक, बाकी का जो भी रहेगा वो एक्सट्रूड करके बनाएंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पर रखेंगे कुछ यहाँ तक, और इसको रखेंगे यहाँ तक। कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपल है, शिफ्ट राइट क्लिक,
मल्टी कट एक बीच में से दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आने वाली है करके, एक यहाँ पर देते हैं क्योंकि यहाँ तक वो स्ट्रेट रहने वाला है, और यहाँ पर दो या फिर तीन, और फिर वापस मूव टूल की मदद से वर्टेक्स। तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा, वर्टेक्स, मूव टूल, माउस बराबर काम नहीं कर रहा है, कुछ यहां तक, इन सबको सिलेक्ट, यहां तक, इन सबको सिलेक्ट, यहां तक, इन सबको सिलेक्ट, यहां तक, और यहाँ पर देखोगे ये स्ट्रेट हो रहा है, तो इसको भी आपको उसके साथ ही ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, थोड़े से डिस्टेंस के साथ। कुछ इस तरीके से, फिर यहां से वो स्ट्रेट लाइन आएगी, जो कि ये पार्ट जो है वो यहां तक रहेगा। तो अगर ओरिजिनली देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखने वाले, नहीं जॉइंट नहीं अलग है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। चाहिए तो हम लोग यहाँ से ये जो दो पॉइंट्स अभी मिले थे उनको वर्टेक्स की मदद से मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे उनका काम ही नहीं है, कुछ इस तरीके से, तब भी चलेगा। उसके बाद यहां तक हो गया मेरा काम, इसको पहले आधा कर देते हैं जैसे हम लोग ने वहां पर किए थे। तो सिंपली राइट क्लिक, मल्टी कट, हाफ पे क्लिक, फेस एंड डिलीट। और फिर ये जो फेसेस है इसको अंदर रखेंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन देखो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो शिफ्ट दबाकर करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, तो भी प्रॉब्लम है, तो करें क्या? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एज डालनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लूप, कि वो यही तक रुक जाए, और फिर राइट क्लिक करके फेस लेकर अभी करोगे तो देखोगे एक रेस्ट्रिक्शन मिल जाता है, तो ये लूप पूरा नहीं आया है, देखोगे तो मल्टी कट की मदद से हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐड करो। ऐसा कुछ, और फिर फेस को लेकर अगर मैं एक्सट्रूड करूँ तो खराब हो जाएगा, तो नॉर्मली अंदर लेकर जाऊं, लेकिन इसको भी एक लिमिट में लेकर जाना पड़ेगा। कैसे? तो दो एजेस और ऐड करेंगे हम लोग, कुछ दो या फिर तीन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे हम लोग हर बार करते थे, तो तीन को करेंगे। और यहाँ से कुछ यहाँ तक एक लूप ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और इसे यहाँ तक, और फिर फेस में जाएंगे और फिर फेस को हम लोग लेंगे। ऐसे कुछ मूव टूल, थोड़ा सा अंदर, इधर इधर तक, फिर ऊपर के जो फेसेस है उनको निकाल देंगे, फिर थोड़ा अंदर, फिर ऊपर के फेसेस को और निकालो, ऊपर के फेसेस और निकाल दो, ऐसा कुछ देखोगे। चाहिए तो इसे थोड़ा सा हम लोग रोटेट भी ट्राई कर सकते, ये वाला नहीं, ये वाला खराब हो जाएगा, तो ऐसे कुछ देखो। तो वो अंदर की तरफ थोड़ा गया, अगर चाहिए तो आप ये एज को सिलेक्ट करो
और एक बेवल भी दे दो, जिससे क्या होगा एक अच्छी सी लूप आ जाएगी। इतनी परफेक्ट नहीं आई है, तो बेवल में हम लोग एक सेगमेंट या फिर एक फ्रैक्शन बढ़ा देंगे, एक सेगमेंट बढ़ा देंगे, और फ्रैक्शन अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा करो, निकल जाते कुछ इस तरीके से। हाँ दोनों ऐसे रिटर्न करते यहाँ पर आता हो, ये अंदर चला गया, ये भी बाहर परफेक्ट आ चुका है। हैं। अभी इसका बारी, इसकी बारी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आता हूँ मैं, सिलेक्ट शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट। अब मुझे चाहिए हाफ, इसलिए मैं एक यहाँ पर दूंगा और एक यहाँ पर दूंगा कि उसका जो डेप्थ रहेगा वो इतना ही रहेगा। फिर फेस लूंगा, यहाँ पर एक एज और डाल दूंगा, फिर राइट क्लिक करो, फेस लो, चार फेसेस को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो बाहर की तरफ, और यहाँ पर देखोगे सर्कुलर करके एक ऑप्शन रहता है, वो क्लिक कर दो तो वो खुद ही सर्कल बनाकर दे देगा। फिर अपने हिसाब से ट्विस्ट करो थोड़ा सा, जैसा आपको चाहिए हो, कुछ इतना मुझे चाहिए समझ। तो ये हाफ सर्कल तो मेरे को बन के मिल चुका है, सिर्फ थोड़ा सा आर दबाकर मुझे थोड़ा सा ऐसा या फिर ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे ये ऊपर की तरफ रहने वाला है, तो थोड़ा सा ऊपर ले लो, क्योंकि ये आई थिंक हाफ है स्पेस। ओके तो इतना नहीं है, तो बाहर ले लेता हूँ पूरा का पूरा। और ये जो हाफ मैंने एक्स्ट्रा बनवाया था, ये सब, ये हाफ फेसेस की मुझे जरूरत ही नहीं है, वो मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा लिया था कि पूरे हाफ सर्कल मिल जाए, हाफ इसके साथ कनेक्ट हो जाए ऐसा करके। अभी ये परफेक्टली इतना नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली बाहर आया है, तो इसको अंदर रखो थोड़ा सा, कुछ इधर इतना इतना, और फिर एक बार और खींचो, तो ये आपको थोड़ा सा ठीक ठाक दिखेगा ऐसा कुछ। लेकिन ये नीचे से भी प्रॉपर चाहिए था, जो कि हम लोग ने सिलेक्ट ही नहीं किया ऑप्शन। ठीक है चलेगा, वैसा कुछ इतना होगा नहीं, तो राइट क्लिक वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स को थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ, ये एक परफेक्टली सर्कल दिखे। और ये तो मल्टीपल एजेस है, तो ये मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, सिर्फ ये जो नीचे का पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो अगर दूर से देखोगे तो ऑब्जेक्ट का पता भी नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि जब ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ज्यादा ही अंदर जा रहा है क्या, हाँ, तो ये इतना इतना रहना चाहिए बराबर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं स्केल नहीं कर सकते क्योंकि स्केल से खराब हो रहा है, तो बीच में से ही स्केल करना पड़ेगा ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा भी मत करो क्योंकि ज्यादा करोगे तो खराब भी हो सकता है पूरा ऑप्शन। हाँ तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखते हैं, देखो भारी आया हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इश्यू है, तो ये हम लोग को ठीक मैनुअली करना पड़ता है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो वर्टेक्स पे आ जाओ, सब वर्टेक्स को सिलेक्ट करके सिर्फ पीछे ले लो बस, मुझे मैं इसका सर्कल इतना ही रखना चाहता हूँ मेरे हिसाब से, छोड़ो, सिर्फ ये जो वर्टेक्स ऊपर जा रहा है उसको थोड़ा सा नीचे ले लो कि वो उसमें ना घुस जाए, एक अलग से पॉइंट दिखेगा। और ये जो फेस आया देखो, तो ये डिलीट कर, अंदर नहीं आने चाहिए, ये ध्यान, ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ। अब इतना पार्ट बन चुका है, ये सब भी उसके अंदर ही काउंट होगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये थोड़ा बाहर आया होगा, अभी मैंने तो अंदर डाल दिया कुछ इस तरीके से, तो अब बाहर कैसे निकाल। तो सेम एक्सट्रूड का प्रोसेस, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट। हाँ हाँ जैसे कि यहाँ पर कट का प्रॉब्लम दे रहा है, एक्स्ट्रा बनाकर फायदा नहीं है ना, टेक्सचर एक ही है ना पूरे इसका, तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे,
जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कि यहाँ पर मुझे पता चल गया कहाँ पर आने वाला है, कंट्रोल वन दबाऊंगा पूरे ऑब्जेक्ट को, नहीं राइट क्लिक, इसको हाइड कर रहा हूं। ओके, ये यहां से हाइड कर देता हूं और इसको यहां से एक लूप दे दूंगा। बाहर कुछ भी नहीं है, राइट क्लिक कर दो, और नीचे से भी एक लूप की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, नीचे से कुछ बनाया ही नहीं हम लोग ने। ओके, इसको एक्सट्रूड करके हम लोग ने किया ना, इसलिए तो देखोगे यहाँ पर भी ये एम्प्टी है पूरा। तो मैं क्या करता हूँ, एज लेता हूँ, मूव टूल, ये तीन, सॉरी तीन, ये एक, ये दो, पहले एक्सट्रूड कर लेता हूँ इतनों को ही, सबको नहीं करूंगा पहले, इतना आर, आई थिंक मराठी कीवर्ड आ गया था, आर स्ट्रेट कर दो और फिर मूव टूल से पीछे ले लो, क्योंकि बाद में मुझे मर्ज करना है तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सब बाद में स्ट्रेट होने वाले। अभी भी कर सकते हो, जैसे कि फ्रंट व्यू वगैरह में आ जाओ, राइट क्लिक, वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट करो और आर दबाकर स्ट्रेट कर दो, तो ये थोड़ा सा बेटर रहता है कि बाद में मर्ज होते वक्त इजीली हो जाएगा वो, वरना प्रॉब्लम देगा वो पिछली बार की तरह। अब यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक, एच, ये सब जो है जैसे एक दो, दो ही एजेस है, मूव टूल की मदद से खींच लूंगा। ओके, इतना ही है। इतना, अब ये वाला भी एज थोड़ा सा खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक दो तीन जो है कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक, वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट और मर्ज। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी प्रॉब्लम देखो, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो भी चलेगा, और इसको एक्सट्रूड करके चिपका दूंगा तो भी चलेगा। तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर क्या सेट कर सकते हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, एज लेता हूँ, सब एजेस को सिलेक्ट, एक्सट्रूड आर, रिटर्न स्ट्रेट, मूव रिटर्न पीछे। इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे सारे मर्ज करने नहीं पड़े, सिर्फ ये दो करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। जी भी दबाओगे तो सेम प्रोसेस वापस होगा। अभी देखो, अभी परफेक्ट लग रहा है, ये भी एक्सटेंड हो चुका है परफेक्टली, हाँ ठीक ठाक है। अब यहां से मैंने खींच लिया, लेकिन यहाँ पर देखोगे एक वर्टेक्स आगे चला गया, तो वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, आर दबाओ, स्ट्रेट करो और पीछे लेकर आओ, कि मुझे यहाँ से एक्सट्रूड करना, कुछ यहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ तक है, तो शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, रिटर्न एक मल्टी कट, राइट क्लिक, वर्टेक्स, रिटर्न इस वर्टेक्स को पीछे और इन वर्टेक्स को नीचे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो मैं बाद में अलग से बनाऊंगा, इसमें ऐड नहीं कर रहा। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो ये ज्यादा आगे आ चुका है, यहाँ तक ही मुझे बनाना है कुछ इतना। उसके बाद सिंपली यहाँ पर दो वर्टेक्स और डाल देते हैं, सॉरी मल्टी कट, तीन वर्टेक्स, और इन तीन वर्टेक्स को ऊपर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखोगे हो चुका, ये भी परफेक्टली हो चुका है, ये बाद में हम लोग अलग से बना लेंगे, जैसे कि पूरा का पूरा, तो वो अभी इसके अंदर मर्ज नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखो, वरना डबल डबल हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी देगा। तो फेस पर आ जाता हूँ, एक दो तीन
चार फेस ही मुझे चाहिए, बाकी के आगे की मुझे जरूरत ही नहीं। तो एक्सट्रूड करके थोड़ा सा बाहर, ज्यादा बाहर मत लाओ क्योंकि डिस्टेंस से मुझे पता चल रहा है कि ज्यादा बाहर नहीं है कर, तो इतना इतना ठीक रहेगा। चाहिए तो ये ऑन रखो, ऐसा कुछ देखोगे तो इतना इतना ले लेते हैं। चलो इससे ज्यादा मत लेना क्योंकि उसके ऊपर और भी पार्ट्स है, जैसे कि राइट क्लिक। अब देखो ऐसे कुछ, अभी यहाँ पर देखोगे तो ये एक सर्कल है, उसके ऊपर एक सर्कल है, ये सब तो ये सब मैन्युअली बनाना है पूरा का पूरा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो पूरा परफेक्टली बन चुका है, ये हम लोग टेक्सचर की मदद से देखेंगे, ये बना देते हैं। जैसे कि एक सर्कल ले लिया, बना लिया, उसके जो 20 एक्सेस है उसको कम करके 8 कर लिया। फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ पर है वो, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया बीच में, फेस और सारे फेसेस डिलीट, और मूव टूल की मदद से ऑब्जेक्ट मोड में आकर इसको आगे ले लूंगा कुछ यहाँ तक। तो ये इतना ही कुछ है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ ऐसे। और उसके बाद एक सिलेंडर लेता हूँ छोटा सा, बनाकर खींचता हूँ वापस से, 8 कर देता हूँ, मूव टूल बाहर लेकर आता हूँ, ई जे दबाता हूँ स्नैपिंग के लिए कुछ ऐसे। और इसके भी आधे फेसेस जो है फेसेस डिलीट करता हूँ और मूव टूल की मदद से पीछे लगा लेता हूँ जहां पर वो रहेगा। राइट क्लिक वर्टेक्स, और वर्टेक्स को लेकर आता हूँ यहाँ पर और ई दबाकर थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, आर करता हूँ और थोड़ा सा जैसे कुछ, ये देखो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मूव टूल और थोड़ा सा अंदर डाल, थोड़ा सा बाहर ऐसा कुछ। और ये जो सिलेंडर टाइप है वो भी एक सर्कल ले लो कुछ इतना सा बना दो, उसके भी जो 20 एक्सेस है वो कम कर दो, 7 और 8 9 ही हो रहा है, तो यहाँ पर 8 8। मूव टूल बाहर लेकर आता हूँ, आर थोड़ा छोटा करता हूँ, मूव टूल से बाहर, राइट क्लिक फेसेस, और इसके जो एक्स्ट्रा फेसेस है जो दिखने वाले ही नहीं है वो डिलीट, और फिर मूव टूल से इसको रिटर्न अंदर। इतना इतना रखता हूँ और राइट क्लिक करके एज, इसके जो एजेस है उसको एक्सट्रूड करके अंदर रखो कुछ इस तरीके से, ये दो। अब क्या बचा है, अब ये वाला पार्ट बचा है, ये इधर तक है, तो रिटर्न मैं लेता हूँ स्क्वायर, बनाता हूँ राइट क्लिक मल्टी कट फेस डिलीट, राइट क्लिक वर्टेक्स इसको रखूंगा यहाँ पर, इसको रखूंगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्योंकि मुझे हाफ ही बनाना है, उसके बाद जो आगे का पार्ट रहेगा उसको एक्सप्लोर करके बनाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, दो कट्स यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, राइट क्लिक वर्टेक्स, जो कि ये दो वर्टेक्स जाएंगे पीछे की तरफ, फिर एक चीज यहाँ पर रखा देता हूँ, एक यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब राइट क्लिक
ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। फेस, ये फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड बाहर की तरफ, कुछ इस तरह। अब देखोगे यहाँ पर एक एज लाइन आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक एज, ये सब एजेस जो भी थे, जैसे कि यहाँ पर एक और लाइन है, तो मैं क्या करता हूँ मल्टी कट की मदद से कंट्रोल जेड अंडू, एक यहाँ पर ही लाइन डाल देता हूँ, और वर्टेक्स की मदद से ये वर्टेक्स एजेस करता हूँ पहले कुछ ऐसे, और राइट क्लिक, किधर गया ऑप्शन, एजेस, और जैसे कि ये जो बाहर के एजेस है उनको पीछे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये जो एजेस है इनको बेवल दे देता हूँ सेगमेंट एक के साथ फ्रैक्शन का, तो वहां पर एक शार्प लाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये ज्यादा मोटा है, आर दबा कर छोटा कर दो, कितना मोटा लगेगा अभी ये देखो। फिर उसके आगे का पार्ट जो है वो हम लोग फेस एक्सट्रूड करके बनाएंगे, अंडू अंडू फेस मूव टूल एक्सट्रूड, जैसे कि आई थिंक मुझे तीन को लेना चाहिए था, मैंने दो को ही लिया, तीन को एक्सट्रूड आर, तीनों को फ्लैट क्योंकि वहां पर फ्लैट ही दिख रहा है, फिर भी एक बार वर्टेक्स को लेकर थोड़ा सा आगे ले लेंगे कुछ ऐसा, और इसमें जो एजेस है जैसे कि शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, एक ऐसे डाल दूंगा कि वो आगे वाले को हार्म ना करे, और फेसेस को सिलेक्ट करके ये दो जो फेसेस है उनको एक्सट्रूड कर दो, और आर दबाकर छोटा कर दो, राइट क्लिक वर्टेक्स, और इन तीनों वर्टेक्स को पीछे ले लो, ऐसा कुछ देखोगे वो भी बाहर है। अंदर कुछ फेसेस है क्या चेक कर दो, है तो वो फेसेस को डिलीट कर दो क्योंकि अंदर के फेसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और फिर उसे रिटर्न लगा दो। ऐसे कुछ अगर लग रहा है कि ये बाहर है तो थोड़ा सा बड़ा कर दो, या फिर राइट क्लिक करके एज सिलेक्ट करो और शिफ्ट दबाकर बाहर खींच लो अंदर की तरफ, ऐसे कुछ तो वो हो जाएगा। एक बार हम लोग ऑन करके देख लेते हैं, ये देखो तो ऐसी कुछ हो चुकी है हमारी अभी तक। अगर यहाँ से हम लोग एक शेडेड व्यू ऑन करते हैं तो ऐसा पीछे सॉफ्टनेस हम लोग ने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नीचे का ये हैंडल पूरा बना लेंगे और खत्म हो जाएगी हमारी गर्मी इतना, तो आज के लिए इतना ही।